हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता। आज मैं आपको डबल कलर की नीटिंग पैटर्न बनाना बताऊंगी। ये स्टार पैटर्न है और ये सिंगल कलर में भी बनती है और दो से अधिक कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं इस डिज़ाइन को बनाने में। सिंगल कलर की ये डिज़ाइन अधिकतर जेंट्स की स्वेटर में अच्छी लगती है और डबल कलर या दो से अधिक रंगों का यूज़ आप बच्चों की स्वेटर में करें तो काफ़ी सुंदर लगती है। ये इसमें सिंगल कलर के डिज़ाइन की वीडियो भी मैं अलग से बनाई हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आइए देखते हैं ये डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। ये पैटर्न चार के मल्टीपल में बनेगी और उसमें एक फंदा एक्स्ट्रा लेते हैं। आप चार के मल्टीपल में कितने भी फंदे लें लेकिन उसमें एक फंदा एक्स्ट्रा देने पर यह डिज़ाइन सेट होती है अच्छे से। यहाँ पर मैं 13 फंदों पर यह डिज़ाइन बताऊंगी, जिसमें चार से मल्टीपल 12 फंदे हैं और एक फंदा एक्स्ट्रा है। ये स्टार पैटर्न आप काफ़ी स्वेटर में डाल सकते हैं, खासकर अभी जो मैं दो रंग की ये डिज़ाइन बताऊंगी, ये बच्चों की स्वेटर में काफ़ी अच्छी लगती है। अगर बड़ों की स्वेटर में डालें तो इसे एक ही कलर में डालें। यहाँ पर देखिए 12 फंदे प्लस 1 फंदा एक्स्ट्रा है, 13 फंदों पर ये डिज़ाइन अभी बताऊंगी। पहली पूरी सिलाई सीधा बुनेंगे। इस डिज़ाइन को हमेशा दो शेड में बनाएं, एक डार्क शेड एक लाइट शेड, अगर आप दो कलर की बना रहे हो तो। यहाँ पर मैं दो कलर में एक डार्क शेड ली हूँ, ये डीप टोमेटो कलर है और एक क्रीम कलर है। शुरुआत हमेशा डार्क कलर से करें। ये पूरी सिलाई सीधा बुन लेने के बाद उल्टे तरफ से डिज़ाइन डालते हैं। पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर फंदे को आगे करेंगे, तीन फंदों को एक साथ उल्टा बुनते हैं। उल्टा बुनने के बाद फंदे को पीछे की ओर से घुमाकर आगे करेंगे और फिर से उन्हीं तीन फंदों को उल्टा बुनेंगे। तीन फंदों का फिर से मैंने तीन फंदा बनाया है, फंदा पीछे एक सीधा, फिर से फंदा आगे, तीन उल्टे फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे, फंदा पीछे, फंदा को पीछे से घुमाकर आगे लाएंगे, फिर से तीन फंदों को एक साथ उल्टा बुनेंगे, फंदा पीछे और एक सीधा। ठीक इसी ढंग से इन तीन फंदों को भी उल्टा बुनकर तीन फंदों का फिर से तीन फंदा बनाएंगे। फंदा पीछे एक सीधा, ये उल्टे तरफ से डिज़ाइन कंप्लीट है। सिर्फ ये एक पंक्ति की ही डिज़ाइन है। अब यहाँ पर क्रीम कलर का यार्न लगाऊंगी। क्रीम कलर से ये पूरी सीधी सिलाई फिर से सीधा बुनते हैं। पूरी सिलाई सीधा ही बुनेंगे। इसमें हर दो सिलाई के बाद कलर को चेंज करते हैं और हर उल्टी सिलाई में डिज़ाइन डालेंगे और सीधी तरफ से कलर को चेंज करते हैं। इसमें मैं सिर्फ दो ही कलर में बता रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो ये मल्टी कलर में भी इसे बना सकते हैं, खासकर अगर अच्छे अच्छे कलर्स में छोटे छोटे गोले अगर आपके पास बच गए हों तो इसे इस डिज़ाइन में यूज़ आप कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत लगती है बच्चों की ये डिज़ाइन।
ये क्रीम कलर से पूरी सिलाई सीधा बुन लेंगे। अब उल्टे तरफ से यहाँ पर डिज़ाइन डालते हैं। यहाँ पर तीन उल्टा बुनेंगे। और फिर यहाँ पर स्टार बनाएंगे इन तीन फंदों में। स्टार वैसे ही बनाएंगे जैसा इसके पहले बनाई थी। तीन फंदों को एक साथ पहले उल्टा बनाते हैं। यहाँ पर तीन फंदों को एक साथ उल्टा बुनने के बाद फंदे को पीछे की ओर से फिर आगे ले आते हैं और उसी तीन फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पर तीन फंदों का तीन फंदा फिर से बनाते हैं, फंदा पीछे एक सीधा। फिर से वैसे ही यहाँ पर स्टार बनाएंगे तीन फंदों में। और लास्ट के तीन फंदों को उल्टा बुनेंगे जैसा कि शुरू में तीन फंदे उल्टा बुने हो। अब सीधी तरफ से टोमेटो कलर से पूरी सिलाई सीधा बुनेंगे। दो कलर पर, दो सिलाई पर हमेशा कलर चेंज करते हैं। अगर दो कलर में आप बना रहे हो तो दो सिलाई पर कलर चेंज करेंगे। सीधी तरफ से पूरी सिलाई सीधी बुनते हैं। मेरी नीटिंग वेबसाइट bunai.com पर ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइंस दिए हुए हैं। आप अगर चाहें तो अपने लिए वहाँ पर स्वेटर की ऑर्डर भी दे सकते हैं। ये उल्टी तरफ से सबसे पहले पहला फंदा यहाँ पर सीधा बुनेंगे। एक सीधा बुनेंगे फंदा आगे और फिर तीन फंदों पर स्टार बनाएंगे। स्टार बनाने का तरीका हर बार वैसे ही होगा जैसे पहले बनाकर बताई हूँ। फिर फंदा पीछे एक सीधा, फंदा आगे स्टार बुनेंगे। फंदा पीछे एक सीधा, फंदा आगे स्टार बुनेंगे। टोमेटो कलर से हर बार दोनों ओर शुरू में एक एक फंदा सीधा बुनते हैं। अब सीधी तरफ से कलर को चेंज करते हैं फिर और क्रीम कलर से पूरी सिलाई सीधा बुन लेंगे। ये डिज़ाइन काफ़ी आसान है। सीधी तरफ से हमेशा इसे सीधा ही बुनेंगे। सिर्फ उल्टी तरफ से ये एक सिलाई की डिज़ाइन है जो काफ़ी जल्दी बनती है और काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। ये पूरी सिलाई सीधी बुन लेंगे क्रीम कलर से। और अब उल्टे तरफ से इसमें डिज़ाइन डालते हैं। ये याद रखिएगा, क्रीम कलर से बुनते वक्त हमेशा डिज़ाइन की तरफ शुरू में तीन उल्टा बुनते हैं और फिर तीन फंदों पर ये स्टार पैटर्न बनाएंगे। और उसके बाद एक सीधा, फिर स्टार पैटर्न। उसके बाद बीच के सारे फंदों को एक सीधा और स्टार पैटर्न, एक सीधा स्टार पैटर्न, इस ढंग से ही बुनेंगे। सिर्फ शुरू में और लास्ट में तीन तीन फंदों को उल्टा बुनते हैं। ये इस ढंग से ये पैटर्न तैयार है।
ये काफ़ी प्यारी सी पैटर्न है और ख़ासकर ये बच्चों की स्वेटर में एक से अधिक कलर में ज़्यादा अच्छी लगती है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, धन्यवाद। और मेरी वेबसाइट bunai.com पर ज़रूर विज़िट करें, वहाँ पे आप अपने लिए अगर स्वेटर बनवाना चाहती हो तो उसका ऑर्डर भी आप दे सकती हैं।